ये जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है वहां बीजेपी की तो पोल खुलकर सामने आ गई। बीजेपी केंद्र में 9 वर्षों से शासन में है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी ना तो कोई विकास का मुद्दा बताती है ना अपना किया हुआ कोई काम बताती है। पहली ऐसी पार्टी है जिसके देश के सबसे बड़े नेता और सारे राष्ट्रीय नेता मिलकर एजेंडा नहीं बता रहे कि उन्होंने किस एजेंडे पर 9 वर्ष तक काम किया, देश के नौजवान को क्या मिला, किसान को क्या मिला, गरीबी कम करने के लिए उन्होंने कौन सी नीति बनाई, कर्मचारियों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, विद्यार्थियों के लिए क्या किया, रोजगार को लेकर क्या पॉलिसी है। जो बीजेपी अपना एजेंडा नहीं बता सकती वो बीजेपी वापस पुराने ढर्रे पर आ गई। अब बीजेपी बात कर रही है चुनाव में सरकार का ये कहना, धार्मिक टकराव की बात करना, धार्मिक मुद्दों की बात करना, धर्म के आधार पर उसको लेकर जाना, तो ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करने वाले, धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वाले, धर्म के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने वाले, धर्म के नाम पर दंगा कराने वाले लोग हैं बीजेपी के लोग। अब तो बीजेपी, मैंने आपको पहले ही कहा था, इतना षड्यंत्र करने लगी है कि बीजेपी किसी भी स्तर पर जा सकती है। बीजेपी के लोग पार्कों में सब जगह पूरे राजस्थान में माहौल बनाते हैं, 200 विधानसभा क्षेत्रों में, अरे यहां पर तो मस्जिद बनने वाली है, बीजेपी कार्यालय में बनी होगी मस्जिद, शर्म नहीं आती, बीजेपी कार्यालय में मस्जिद बनी हुई है वो नहीं दिख रही तुमको, हमारे को कह रहे हो चुनाव में मस्जिद बनाएंगे, कौन बनाता है मस्जिद, सरकारें नहीं बनाती, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी की गलत सोच है, मन में पाप भरा हुआ है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सनातन धर्म का मतलब है जो प्यार और प्रेम की बात करता हो, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की बात करता हो। बीजेपी के आरएसएस के लोग आगे गंदगी पर, खुद के पास खुद का किया हुआ कोई काम नहीं है, कांग्रेस का काम बोल रहा है, कांग्रेस की गारंटी बोल रही है। अब बीजेपी और आरएसएस के लोग पार्कों में जाकर कहते हैं यहां मस्जिद बनने वाली है, तो मस्जिद क्या बीजेपी में कार्यालय में बन गई क्या? पापियों तुम्हें शर्म नहीं आती? मस्जिद बनाने का एक परंपरा तुम सुन लो, ना बीजेपी की सरकार मस्जिद बना सकती है ना कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार मंदिर बना सकती है, क्योंकि मस्जिद सरकारी स्तर पर नहीं बनती, वो अपने स्तर पर बनाते हैं। मैंने आज उनसे पूछा इस्लाम को मानने वाले लोग, इसलिए ये जो प्रचार ये करते हैं बिल्कुल गलत है, ये पाप है, क्योंकि वो सरकारों से मस्जिद नहीं बनवाते, वो अपने स्तर पर अपने समाज से पैसे इकट्ठे करके मस्जिद बनाते हैं। लेकिन राजस्थान में चुनाव के समय में मस्जिद नहीं बना करती है, कौन बनाएगा मस्जिद? सरकार बनाती है। मस्जिद बनाने का काम मुझे लगता है बीजेपी ने ठेका उठाया है, क्योंकि ना तो सरकार बनाती है ना कोई पार्टी बनाती है, लेकिन मन में गंदगी है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर काम करने वाली बीजेपी के नेता अब सिखों को भी टारगेट कर रहे हैं, गुरुद्वारों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप अब तक मुसलमान को टारगेट करते थे, लेकिन अब आप सिखों को, जैनियों को, सबको टारगेट करने लगे। सनातन धर्म किसी को टारगेट नहीं करता, सनातन धर्म धर्म और जाति के टकराव से ऊपर उठकर महात्मा गांधी के रास्ते पर चलता है, जिसमें वैष्णव जनतो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जाने रे, और ये नारा लगाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम महात्मा गांधी गाते थे, सब में बसते राजा राम गाते थे। अब जो बीजेपी के नेता राजस्थान में 200 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी राजनीति में काम ही नहीं किया, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हमारा निशान देखो, हमारे नेता को देखो, ये क्यों नहीं बोलते हमारा काम देखो, हमारी योजनाओं को देखो, हमारे 15 लाख और अच्छे दिन को देखो जो उन्होंने दे ही दिए जनता को, 2 करोड़ लोगों के रोजगार को देखो जो कभी मिलेगा नहीं, 15 लाख कभी मिलेंगे नहीं, नोटबंदी के बाद देश में हालात सुधर जाएंगे, वो आज तक सुधरे नहीं, आगे कोई व्यवस्था नहीं सुधरने की। तो बीजेपी खुद बैकआउट कर रही है चुनाव से, और बीजेपी डरी हुई है, इसलिए बार बार अपने राष्ट्रीय नेताओं को बुलाती है, बुलाकर बात करती है। इसलिए मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा, ये कुछ भी कर सकते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करवा दे खुद के आदमियों से, कोई और बड़ी घटना करवा दे, कहीं पर हंगामा करा दे, गौ माता को लेकर कोई बड़ी घटना करवा दे, उसी रास्ते पर निकल गए।
और ये जिस रास्ते पर निकल गए, यदि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता अफवाह फैलाता है कि वो ये कहता है यहाँ मस्जिद बन रही है, तो समझ जाओ ये झूठ का पहाड़ खोद रहे हैं, ये पापी हैं जो चल फिर नहीं सकते, पार्क में आते हैं, बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता कहते हैं मस्जिद बन रही है, तेरे घर में बन रही है, बता कहाँ बन रही है, उससे पूछो कहाँ बन रही है, चुनाव में बनेगी, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, अरे पापियो धरती फट जाएगी, शर्म करो, पाप के रास्ते पर मत चलो, नाटक कर रहे हैं ये, अपनी गायों को भी बांध कर रखो, ये गाय के साथ कोई घटना नहीं कर दे हंगामा और वो दंगे फसाद कराने के लिए, इनका कोई भरोसा नहीं, बीजेपी जैसे जैसे डाउन हो रही है, चुनाव हार रही है, वैसे किसी भी स्तर पर गिर सकती है, और इनके पास काम ही नहीं है, ये वसुंधरा जी सरकार की सरकार में वो एक काम नहीं गिनाती, खैर वसुंधरा जी का तो नाम ही नहीं लेते, वो अपने काम बता दो, वो अभी केंद्र सरकार में कोई काम हुए तो वो बता दो, पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए कल प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है, गलत बात, इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $85 से लेकर $89 प्रति बैरल है, मतलब $89 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल के दाम है, मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे, $50 महंगा था, तब 2014 में राजस्थान में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब जितना टैक्स था राजस्थान का उतना उससे कम टैक्स आज गहलोत सरकार का है, क्योंकि जब जब वेट हमने राजस्थान सरकार ने थोड़ा थोड़ा कम किया, हमारा कम करते करते और नीचे आ गए, 2014 से कम टैक्स है, हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाकर और 55-60 रुपये तक टैक्स को ले गए, आज पेट्रोल डीजल 40 रुपए से नीचे बिक सकता है, लेकिन आप मुद्दों को भ्रमित मत कीजिए, इतने बड़े बड़े नेता आते हैं देश के शीर्षस्थ नेता और वो राजस्थान की सरकार पर झूठे झूठे आरोप लगाते हैं और बड़े बड़ी बातें करते हैं, सारे बीजेपी के नेता इसी में लगे हुए हैं और चुनाव को डाइवर्ट करना चाहते हैं, चुनाव ऐसे डाइवर्ट नहीं होते, अफवाहें फैलाने से, मंदिर मस्जिद की बात करने से, झूठी अफवाहें फैलाकर वोट को प्रभावित करने से, मेरा वीडियो तोड़ मरोड़ कर और नेशनल बीजेपी ने ढाला और उसमें ये दिखा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस कार्यालय में या बीजेपी कार्यालय में कहीं पढ़ी जाती हो, नमाज तो मुझे पढ़ा नहीं लेकिन कहीं पे भी नहीं पढ़ी जाती, आप ये बताइए वो डाल रहे हैं कि नमाज ढूंढना पड़ रहे हैं, वहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वहाँ पर फारसी जैन बौद्ध सब धर्मों की सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है महात्मा गांधी जी की जयंती, उसको तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं, बीजेपी वालों को पाप लगेगा, शहीद भगत सिंह का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, तो तुम्हारा क्या लेना देना है, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां जो लड़े देश के लिए, तुम तो डींगे ऐसे मारो जैसे उनके साथ ही घूम रहे थे, जिन लोगों ने पैसों का कलेक्शन किया शहीदों के नाम पर, कई ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इसलिए जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आ गए राजस्थान में, बीजेपी के अधिकतर नेता जो नए उतरे मैदान में, उनका खुद का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, राजनीतिक संघर्ष नहीं है, वो झूठे किस्से कहानियां सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके वोट लेना चाहते हैं, अफवाहें फैलाकर, अब इनका एक प्लान तय हुआ है बीजेपी कार्यालय में, मैं लोगों से अपील करूंगा, बीजेपी कार्यालय में इन्होंने तय किया है, कुछ मोटरसाइकिल वालों को तैयार किया गया है, उनको टोपी पहनाकर भेजा जाएगा बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, जो मोहल्लों में घुसेंगे, गलत गलत नारे लगाएंगे, झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे, कैमरे हमने पूरे जयपुर में लगाए हुए हैं, यदि कोई भी लड़का बीजेपी कार्यालय से इस तरह से निकलेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को हमने कह दिया कार्रवाई होगी, वो पकड़े जाएंगे, कोई लड़के ज्यादा जोश खाएंगे वो जेल जाएंगे, जमानत नहीं होगी, ये जो प्लान उन्होंने तैयार किया मोटरसाइकिल पे भेजेंगे और वो जाके हंगामा करेंगे और दंगा फसाद शुरू करा देंगे, 5 साल तक तो बीजेपी दंगे नहीं करा पाई, क्योंकि भगवान राम की जब यात्रा निकली हम खुद उस यात्रा में शामिल हुए, तो राम के तो हम